तो अभी हम बात करेंगे ब्रीफ इंटरवेंशन। ब्रीफ इंटरवेंशन का मतलब होता है आपका संक्षिप्त विवरण, कैसे आपको इसमें पेशेंट से बात करनी है, कैसे बात करना है, कैसे उनसे हिस्ट्री कलेक्ट करना है, जो भी हमने पहले बात किया उसके बारे में हम इसमें। तो पहले आते हैं ये क्या है। तो सबसे पहला जो चीज है वो है स्क्रीनिंग करना। ब्रीफ इंटरवेंशन मतलब है आपका संक्षिप्त हस्तक्षेप और रेफरल टू ट्रीटमेंट। ये सब मिला के हम बोलते हैं कि SBIRT, मतलब कि S मतलब स्क्रीनिंग, कब आप उसकी जांच करेंगे जब आपके पास कोई भी पेशेंट आता है, कब आप उसको संक्षिप्त हस्तक्षेप मतलब कब उससे आप बात करेंगे बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से, तो और कब आप उसको रेफर करेंगे। तो ये बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही जुड़ा हुआ और एक पब्लिक हेल्थ अप्रोच, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहां पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जब भी आपके पास कोई भी मरीज आए तो उसको जल्दी जो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करके तुरंत उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। तो ये हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जो भी पेशेंट आते हैं हमारे पास जो भी हाई रिस्क होते हैं ड्रिंकिंग के, जिनका बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक वो शराब लेते हैं, और जो भी पर्सन आते हैं सब्सटेंस यूज, किसी भी तरह के सब्सटेंस वो लेते हैं, वैसे कम्युनिटी सेटिंग पे जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं। और ये पाया गया है कि जो लोग बहुत ही ज्यादा, जिनको पता नहीं होता है कि उसका हेल्थ इफेक्ट क्या हो सकता है, मतलब अनहेल्दी अमाउंट में जब वो अल्कोहल लेते हैं, तो ये सारे चीजों में ये आपका जो SBIRT है, मतलब स्क्रीनिंग करना, उसकी जांच करना, उसको इंटरवेंशन देना और कब उसको रेफर करना, ये सारे चीजों में काम आता है। तो ये जो इंटरवेंशन है ये मेनली मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग के ऊपर बेस्ड है, जिसमें पहले मैंने बताया जैसे कि स्क्रीनिंग हुआ, तो पहले ही जब आपके पास कोई पेशेंट आया तो उसको पहले ही आपने, जब भी वो आपके पास आया तो आपने उससे बातचीत की और पता किया कि वो कितने अमाउंट में अल्कोहल यूज कर रहा है, मिस यूज कर रहा है, अब्यूज है, या फिर एडिक्शन हो गया या उसको उसकी लत लग गई है। उसके बाद आते हैं आपका ब्रीफ इंटरवेंशन में। ब्रीफ इंटरवेंशन पेशेंट से हम जब बात करेंगे तो पेशेंट से ही हमें उसका सॉल्यूशन लेना या उससे पूछना या उसको मोटिवेट करना, उसको जागरूकता प्रोवाइड करना कि आप जो कर रहे हैं आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा रिस्की है या बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है या बहुत ज्यादा आपको दिक्कत या तकलीफ दे सकता है, तो ये सारी चीजें में हम ब्रीफ इंटरवेंशन में बात करते हैं। अब अगर कोई रेफरल टू ट्रीटमेंट, अगर बहुत ही ज्यादा सीवियर रिस्क है जहां पे आप बातचीत नहीं कर सकते या जिसको इमीडिएट केयर की जरूरत होती है, तो आप उसको रेफर करेंगे टू द स्पेशलिटी केयर हॉस्पिटल्स में, जो भी आपके पास नशे से युक्त व्यक्ति आता है। तो अब बात करते हैं ब्रीफ इंटरवेंशन क्या है। सो ब्रीफ इंटरवेंशन के बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं, जिसमें पहले हमने बताया कि असेस करना, जब भी आपके पास कोई पेशेंट आया उसको असेसमेंट करना, हिस्ट्री लेना, उसका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करना, जैसे कि आप कर रहे हैं। उसके बाद आता है कि उसको एडुकेशन, उसको ज्ञान देना, उसको उसके बारे में बताना क्या नुकसान हो सकता है, उसको ये बताना कि हम आपके साथ हैं, आप अगर छोड़ने के लिए उत्सुक हैं हम आपके साथ हैं, आप धीरे धीरे छोड़िए, ऐसा नहीं कि आप आज ही छोड़ दीजिए या कल से ही छोड़ दीजिए, आप धीरे धीरे उस शराब सेवन को छोड़िए, और उसको मोटिवेट करना ताकि ये चीज बना रहे, ताकि वो बीच में ना छूट जाए या फिर बीच में फिर से पीने ना लग जाए, ये चीज बना के रखना और सही समय पे उसका रेफर करना। फिर देखा गया है कि ये मेनली आपका जो दिया जाता है वो जनरल प्रैक्टिस सेटिंग्स, ऐसा नहीं कि हमेशा डी एडिक्शन सेंटर या कहीं पे भी आपका पेशेंट आ रहा है जनरल प्रैक्टिस में, तब आप उसको ब्रीफ इंटरवेंशन दे सकते हैं। तो इसमें जो चीज है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपका 5 मिनट ऑफ एडवाइस, जब पेशेंट ईगरली इन्वॉल्व हो रहा है, शुरू हो गया उस आने में, तो 5 मिनट आपका जो भी आप एडवाइस दे रहे हैं वो उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कर सकता है कि वो शराब छोड़ दे। इस मतलब जो हम ब्रीफ इंटरवेंशन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा उससे बातचीत कर रहे हैं, वो सुनने में उसका कोई उसकी रुचि नहीं है, तो ये ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं देता है नॉन डिपेंडेंट ड्रिंकर के ऊपर। स्टडी से पाया गया है कि 5% ऑफ स्मोकर्स जो है उन्होंने ब्रीफ इंटरवेंशन के तहत क्विट किया है, छोड़ा है उन्होंने स्मोकिंग करना, और
अगर आप पॉइंट ऑफ डिटेक्शन मतलब जब आपको पता चले या जब भी आपके पास पेशेंट आए तभी अगर आप ये चीज करने शुरू कर दें तो बहुत ज्यादा सहायता मिलती है, बहुत ज्यादा ये इफेक्टिव माना गया है। अब गोल्स क्या क्या है ब्रीफ इंटरवेंशंस में, क्यों करने हैं या किसके साथ करने हैं, जो संक्षिप्त हमें जो भी हस्तक्षेप या जो भी बातचीत हम कर रहे हैं छोटे में सरल तरीके से, तो उसमें क्या उसके क्या मूल मंत्र है, वो क्या है ना, ये जो दवाई ले रहे हैं उसकी जो एफिकेसी होती है, दवाई की जो काम करने की क्षमता होती है उसको और बढ़ा देती है। अगर दवाई भी ले रहे हैं और साथ में वो बंदा वो सुन भी रहे हैं तो फिर उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है उसको बढ़ा देती है। फिर बहुत सारे दिनों तक पेशेंट क्या होता है ना, उसको दवाई लेने की जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए बहुत अगर उसने दवाई छोड़ भी दिया है और वो सिर्फ आके आपसे बातचीत कर रहा है या आपका बात सुन रहा है तो उससे बहुत सारे दिन तक उसको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके लाइफ स्टाइल जो भी वो शराब पी रहा है या स्मोकिंग कर रहा है इसमें बदलाव आ जाते हैं और साथ में उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो जाता है। तो आप इसमें कुछ सवाल पूछ सकते हैं, तो वो सवाल जैसे कि है, क्या SBRIT जो है वो क्या प्राइमरी केयर सेटिंग या प्राइमरी हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये सब में काम सक्सेसफुल है या आप कर सकते हैं इस जगह पे? एब्सोल्युटली बिल्कुल ही वो सक्सेसफुल है, क्योंकि ये मेनली जो बना है वो हाई रिस्क जो भी पेशेंट है जो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल सब्सटेंस ले रहा है या मल्टीपल सब्सटेंस ले रहा है प्राइमरी हेल्थ केयर सेटिंग में, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। या जो पेशेंट जो ऑलरेडी डायग्नोसिस हो चुके हैं कि वो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में डायग्नोसिस हो चुके हैं प्राइमरी केयर सेटिंग में, और किसी कॉम्प्लेक्स केस हैं जो रेफर हुए हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल है और ये अप्रोप्रिएट है, जो कि आप सभी कर सकते हैं। इसमें कितनी दिक्कतें आ सकती है, हाउ मच हैसल इट्स इन्वॉल्व। तो देखिए पहले जब शुरू करते हैं कोई भी चीज करना, अगर वो जैसे कि एग्जांपल में अगर आप ब्लड प्रेशर भी चेक करते हैं तो उसको भी हर दिन लेने में, या पेशेंट आए और हर दिन आपसे ब्लड प्रेशर चेक कराए या आप चेक करें तो उसमें भी समय लग ही जाता है और बहुत सारे दिक्कतें आती हैं। तब पेशेंट भी आपसे पूछ सकता है आप क्यों हमारे रोज ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं या क्यों रोज ब्लड प्रेशर चेक करने की जरूरत है, हमें तो कोई दिक्कतें नहीं है। यही सेम तरीके की दिक्कतें आप जब किसी से बात कर रहे हैं शराब छोड़ने को लेके, तब भी ये दिक्कतें आपको आ सकती है। तो बट आप अगर इसको रूटीन प्रैक्टिस में लेके आए, जैसे हमने ब्लड प्रेशर का वो हमें रूटीन प्रैक्टिस में करना ही पड़ता है, तो ये भी उतना ही इजी हो जाता है। तो उसके कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है, जो मेन मूल मंत्र जो बोलते हैं वो क्या क्या है? पहले तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि कौन कौन से प्रॉब्लमेटिक यूजर्स है, मतलब कितना नुकसानदायक वो जो पी रहा है या कर रहा है वो कितना नुकसानदायक हो सकता है। फिर उसके बाद हमें सबसे पूछिए जो भी आपके पास आता है, आस्क एवरीवन जो भी आपके पास आता है, क्या आप किसी तरीके का शराब लेते हैं या किसी तरीके की नशा या युक्त पदार्थों का उपयोग करते हैं, सबसे पूछिए। तो यूनिवर्सल स्क्रीनिंग हो जाएगा इसके लिए। फिर अगर आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, आपने उसका हिस्ट्री कर लिया, उसका MSC कर लिया, फिर उसको ब्रीफ इंटरवेंशन दीजिए, और ताकि वो हमेशा इससे साथ जुड़ा रहे, हमेशा आपके पास आए। तो इसलिए हमेशा बोलते हैं कि एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होना बहुत जरूरी है कि आपके पास बार बार आए। इसके लिए आप मोटिवेट कीजिए उसको कि आप आइए, हम आपकी सहायता करेंगे, हम है यहाँ पे आपको सुनने के लिए। तो उसके बाद आप अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद उसको रेफर कीजिए ट्रीटमेंट के लिए। अब आते हैं यूनिवर्सल स्क्रीनिंग क्या है। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग में आप सबसे पूछिए, जब भी आप किसी से मिलते हैं या जो आपके पास पेशेंट आ रहा है जनरल हेल्थ चेकअप के लिए या वेलनेस स्क्रीन के लिए, तब आप सबसे पूछिए अल्कोहल के लिए भी, ड्रग के लिए भी या कोई भी सब्सटेंस हो सबके लिए भी। उसके बाद आप कोई भी वैलिडेटेड टूल जो हमने ऑलरेडी आपको सिखाया है, ऑडिट असिस्ट, ऐसा कोई भी टूल आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं आपने अगर उसको आइडेंटिफाई किया है तो। फिर उसको आप जैसे दूसरे हेल्थ स्क्रीनिंग करते हैं हम, दूसरे जैसे कि कोई भी हाइपरटेंशन का हुआ या कोई भी दूसरी बीमारी का हुआ, जितने का भी हम हेल्थ स्क्रीनिंग करते हैं वैसे ही इसका भी, इसको भी इनकल्केट कीजिए, इसके बारे में भी बताइए, ताकि लोगों में स्टिग्मा कम हो जाए। क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम शराब पी रहे हैं तो मतलब हम गलत काम कर रहे हैं, दे टू फेल्ट कि उस वो एक गिल्ट है हमारे अंदर, हम किसी से बात नहीं कर सकते। तो ये सारे चीजें आपको उनको समझाने हैं।
एक एक सब्सटेंस जो भी वो लेता है, चाहे वो शराब ले रहा हो या स्मोकिंग कर रहा हो, बीड़ी ले रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, तो उस सब्सटेंस के बारे में जानना और उसके बारे में पेशेंट को बताना, ये इसके पहले तो जानिए उसके बारे में, फिर अच्छे से कब से शुरू किया, कितना जल्दी शुरू किया, क्या किया, तो ये सारे चीजों के बारे में पता कीजिए। फिर फॉलो अप कीजिए विद, बार बार उसको बोलिए, मोटिवेट कीजिए ताकि हम आपकी मदद कर सकते हैं आपको इस शराब को छुड़वाने में। अब ब्रीफ इंटरवेंशन कहाँ पे उपयोगी होता है? नॉर्मल जनरल प्रैक्टिशनर या नॉन स्पेशलिस्ट, कोई भी वर्कर ये कर सकता है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है, आप लोग कर सकते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स कर सकते हैं या कोई भी वर्कर जो भी हेल्थ सेक्टर में जुड़े हैं वो सब कर सकते हैं। बस इसके बारे में ज्ञान रखना या थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखने से ये करने में सहायता मिल जाती है। जो भी पेशेंट है जिनको इंटॉक्सिकेशन है या जो भी रेगुलरली शराब पीते हैं या रेगुलरली वो नशा लेते हैं, तो फिर उनके लिए ये उपयोगी है। जिन जो पेशेंट उतने ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है, जिनको ज्यादा रेफर करने की जरूरत नहीं है, जो आग्रह है आपके पास आने के लिए, और कब कर सकते हैं, जब ज्यादा समय नहीं है आपके पास उतना बातचीत करने के लिए, बट आप फिर भी तब ये चीज कर सकते हैं। अब इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं जब आप करेंगे तो, मैंने पहले ही बताया, ब्रीफ जो है इंटरवेंशन जो है, एक मोटिवेट करना उनको, उनमें जागरूकता लाना कि जो भी प्रॉब्लमेटिक यूजर्स है, शराब पीते हैं, ये मेनली पर्सनलाइज्ड होता है। हम उस पर्सनलाइज मतलब उस पर्सन के ऊपर, आपने पहले उस पर्सन का हिस्ट्री कलेक्ट किया, उस पर्सन का मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किया, आपकी तरफ से एक सपोर्टिव एम्पैथेटिक बिहेवियर होना चाहिए कि हम है आपका सुनने के लिए, हम आपका सुनेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, जब भी आपको हमारी जरूरत हो आप आ सकते हैं यहाँ पे, और नॉन जजमेंटल, बिना उनको जज किए कि ऐसा कैसे आपने शराब आप छोड़ ही नहीं रहे हैं, आप आते ही नहीं है, ऐसे नहीं, कि उनको समय देकर उनके समय के मुताबिक हम ये सब कुछ करें। ये ज्यादा सीरियस डिपेंडेंस के लिए यूज नहीं किया जाता बिकॉज दे नीड इमीडिएट रेफरल एंड ट्रीटमेंट। तो हम नॉन सीरियस डिपेंडेंट, नॉन लेस सीवियर डिपेंडेंस के ऊपर ये ज्यादा असरदायी पाया गया है, और ये कम समय में भी हो जाता है और आपका प्राइमरी केयर सेटिंग्स में भी हो जाता है, तो इसीलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। इसमें उनको ना कोई पैसे की दवाई खरीदने की जरूरत है, ना उनको किसी भी चीज में इन्वॉल्व होने की जरूरत है, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और कम समय में प्राइमरी हेल्थ केयर सेटिंग में ही हो जाता है ये चीज। अब आते हैं ब्रीफ इंटरवेंशन। तो ब्रीफ इंटरवेंशन हम बोलते हैं मेनली फ्रेम्स जो है एक सिनोनिम है, एक शॉर्ट फॉर्म जो हम बोलते हैं वो है एफ फॉर। क्या होता है एफ फॉर? होता है आपका फीडबैक। फिर आते हैं ए आर। आर फॉर क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। ए क्या होता है आपका? ए होता है आपका एडवाइस। एम फॉर मेनू। ई फॉर एम्पैथी। और एस फॉर होता है आपका सेल्फ एफिकेसी। अब इसके बारे में हम एक एक में बात करेंगे। अब फेम्स में आते हैं, ये दिया था मिलर एंड सैंचिक ने 1994 में। इसने 6 एस्पेक्ट्स निकाले थे जिसको उसने छोटा बना के बताया था फ्रेम्स है। तो सबसे पहले आता है आपका फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? पर्सनल रिस्क, मतलब कि आपने पहले जब पर्सन आया तो आपने उसे हिस्ट्री कलेक्ट किया, तो उससे उसको क्या नुकसान हो सकती है, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो फीडबैक हम उसी के ऊपर देंगे, मतलब पर्सनलाइज्ड फीडबैक देंगे, जो पेशेंट बताएगा वो देंगे, ना कि जनरल में क्या हो सकता है शराब पीने से या क्या नहीं हो सकता, उसके ऊपर नहीं, जो पर्सन हमें बताएगा उसके ऊपर। फिर आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि पेशेंट कितना चेंज होना चाहता है, अपने बिहेवियर को कितना बदलाव करना चाहता है, कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है आपने जो किया है या आप जो शराब सेवन कर रहे हैं उसके ऊपर। एडवाइस होता है कि क्या किया जा सकता है, आप कितने हद तक हमें सुनना पसंद करेंगे या हम जो आपको सलाह देंगे क्या आप वो कर पाएंगे, तो वो हम एडवाइस में देते हैं। अब आते हैं मेनू ऑफ ऑप्शंस। इधर हमें जैसे कि खाने में मेनूज दिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई एक सटीक तरीका है हर पेशेंट के लिए, हर पेशेंट का अलग अलग चीज होता है। अगर उसने बताया कि मैं जिस रास्ते से नौकरी में जाता हूँ उस रास्ते में मेरे शराब की दुकान है, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा लत लग गई है, इसीलिए मैं पीता हूँ, तो हम उसके ऊपर उसको अलग से मेनू प्रोवाइड करेंगे। या फिर वो दोस्तों के साथ
शराब पीता है या दोस्तों के साथ रहने से उसको ज्यादा शराब की लत लग गई है, तो हम उसका उसको मेन उसको ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे, हम अपने से नहीं बल्कि उसी से पता करेंगे कि उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर उसका आप इसके लिए आप क्या कर सकते हैं ये मेनूज देंगे। एम्पैथी, एम्पैथी ये पहले ही हमने डिस्कस किया था कि पेशेंट को समझना, उसके फीलिंग्स को समझना, उसको सपोर्ट करना और उस वो जो भी बोल रहा है उसको नॉन जजमेंटल वे में लेना, ताकि जो भी हम काउंसलिंग उसको दे रहे हैं उसको लगे कि हम सपोर्टिव हैं और हम सुन रहे हैं उसका बात। अब आते हैं सेल्फ एफिकेसी जो होता है उसके बारे में, इसमें आते हैं कि पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करना टू द कैपेसिटी कि पेशेंट चेंज होना चाहता है। अगर पेशेंट बताए कि हाँ मैं बदलाव लाना चाहता हूँ, हाँ आपने जो बोला मुझे तो ये सब पता नहीं था, मैं चेंज बदलाव लाना चाहता हूँ खुद में, तो उसके सपोर्ट के हिसाब से हमें उसके कैपेसिटी के हिसाब से हमें उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब आते जैसे पेशेंट आपको बताए कि हाँ मैं खुद में थोड़ा बदलाव लाना चाहता हूँ, तभी हमारा जो थॉट होता है जो हम सोचते हैं वो ब्रीफ इंटरवेंशन में चला जाता है। तो इसमें हम क्या क्या के ऊपर फोकस करते हैं, पहले तो ज्यादा अगर आप पिएंगे तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या हानि पहुंच सकती है, कैसे शराब छोड़ सकते हैं, अप्रोचेस, ऐसे नहीं कि कल ही छोड़ सकते हैं या आज ही छोड़ सकते हैं, कौन कौन से अप्रोचेस से उसका शराब पीना हम कम कर सकते हैं या छुड़वा सकते हैं, और कौन से सिचुएशंस, पहले ही मैंने बताया कौन से सिचुएशंस को अवॉइड कर सकते हैं ताकि वो हैवी ड्रिंकिंग ना करें। तो ये मेनली आपका 15 मिनट का सेशंस होता है और मल्टीपल मीटिंग लग जाते हैं, बहुत दिन लग जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट कितना बदलाव लाना चाहता है, और उसी के हिसाब से हम उनके साथ ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि अगर आप छोड़ देंगे शराब पीना तो आपको क्या क्या लाभ हो सकती है। सो ब्रीफ इंटरवेंशन जो है वो आपका स्किल्स को बढ़ाते हैं ताकि जो भी आप डिसीशन ले रहे हैं वो इफेक्टिव हो, और जो आप शराब पी रहे हैं उसको जितना दूर कर सकते हैं उतने में आपको सहायता प्रदान करती है, क्रेविंग जो आपकी लालसा होती है उससे आपको बचा सकती है, वो लत जो आती है उससे आपको दूसरों कामों में इन्वॉल्व करके उसे दूर रख सकती है, और आपको ये निर्णय करने में बता सकती है कब आप उसको ले सकते हैं शराब को या कब आप नहीं ले सकते हैं, उसके क्या नुकसान है और क्या लाभ है इसके बारे में आपको ब्रीफ इंटरवेंशन के थ्रू आप पेशेंट को बता सकते हैं, क्यों उनको शराब बंद करना चाहिए या कम कर देना चाहिए इसके बारे में आप रीजंस दे सकते हैं। पेशेंट को हेल्प करना होगा कि वो खुद ही डिसीशन ले, खुद ही हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करे, खुद ही हमें आंसर प्रोवाइड करे, इसे हम लॉन्ग टर्म जो यूज होता है उसको भी हम डिस्करेज कर सकते हैं, और साथ में ये हेल्प करता है जो भी आपको उनका दवाई चल रहा है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने में। सो ब्रीफ इंटरवेंशन के कुछ कुछ कॉम्पोनेंट्स जो है वो ये है, सबसे पहले आता है आपका ब्रीफ असेसमेंट और स्क्रीनिंग। हमने पहले ही बताया ब्रीफ असेसमेंट में पेशेंट जब भी आपके पास आता है स्क्रीनिंग करना, कौन सा यूज हो रहा है, कौन सा अब्यूज हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, एडिक्शन हो गया, ये सब के बारे में। फिर पेशेंट से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिला, क्या मैंने सही समझा आप ये कर रहे हैं, तो वो उसको फीडबैक प्रोवाइड करना कि ये चीज आप कर रहे हैं उससे आपको पता है कि इतना हानि हो सकता है, शराब पीने से आपका लीवर में दिक्कत हो सकती है, शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स में दिक्कत आ सकती है, ये सारे फीडबैक प्रोवाइड करना उसके ऊपर। फिर आते हैं गोल सेटिंग, एक होता है शॉर्ट टर्म हमें सिलेक्ट करना है कि अच्छा आप पहले एक क्वार्टर पीते थे तो अभी आपने आधा कर दिया है, तो आधा करने के लिए भी हमें एक गोल बनाना होगा कि पेशेंट के ऊपर निर्भर करके कि आप ये चीज कर सकते हैं तब हम आपकी सहायता कर सकते हैं। फिर आता है सेल्फ हेल्प इंफॉर्मेशन, बहुत सारे सेल्फ मटेरियल्स हैं या ग्रुप्स हैं, अल्कोहल एनोनिमस ग्रुप्स हैं, उनसे बातचीत करना ताकि उनको पता चले कैसे इन्होंने शराब पीना छोड़ा, या पढ़ के कि कैसे ऐसे छोड़ सकते हैं, इससे क्या उपयोगिता है, ये सारे मटेरियल्स उनको प्रदान करना ताकि उनको भी और ज्ञान बढ़ सके। हार्म रिडक्शन स्ट्रेटजीज, इसमें हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देना है बहुत ही अच्छे से, और गोल के ऊपर डिपेंड करके हमें इनको इंफॉर्मेशन देना है। रिलैप्स प्रिवेंशन और मेंटेनेंस, कैसे फिर से वो ना पीने लग जाए या कैसे हम इसको मेंटेन कर पाए इसके बारे में बताना है कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के जरिए। फॉलो अप के लिए उनको एडवाइस करना है और अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करने हैं। अब आते हैं 5 A's, सबसे पहला आता है आस्क, सब पेशेंट से आप पूछिए कि वो क्या पीते हैं, वो लीसी ड्रग भी हो सकता है, इलीसी ड्रग भी हो सकता है, इसके बारे में आप सब पेशेंट से पूछिए।
फिर असेस कीजिए कि क्या पेशेंट रेडी है शराब छोड़ने के लिए, या जो भी वो पैटर्न ऑफ यूज है उसको छोड़ने के लिए रेडी है कि नहीं, उसका एक्सेप्टेंस पता कीजिए। फिर एडवाइस कीजिए कि इससे आपको ये नुकसान हो सकती है, अगर आप ऐसे ही पीते रहे तो आपको ये नुकसान हो सकती है, आपको ये लाभ मिल सकता है कि आप अगर छोड़ देंगे तो, उस सारे चीजों को आपको उनको बताना होगा। असिस्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिए पेशेंट को कि जब भी वो बदलाव लाना चाहते हैं या जब उनको सपोर्ट चाहिए हम हैं आपके पास, और नेक्स्ट कंसल्टेशन या विजिट के लिए उनको समय दीजिए या अरेंज करवाइए टाइम की, ताकि वो आ पाए और वो आपसे आके बातचीत कर पाए। अब आते हैं स्टेप्स, क्या क्या होता है ब्रीफ इंटरवेंशन में। सबसे पहला तो होता है रैपोर्ट बिल्ड करना, किसी भी चीज में अगर आपको उसे हिस्ट्री लेना हो या कुछ भी करना हो, उसको रैपोर्ट बिल्ड करना, उसे बातचीत करना, उसमें उनकी क्या क्या दिक्कत है वो तो सब्जेक्ट को रेज करना, और क्या सही है गलत है उसके बारे में बताना, प्रोवाइड फीडबैक वो कितना रेडी है चेंज करने के लिए, और एक नेगोशिएशन पे आना, आपका भी नहीं हमारा भी नहीं, चलिए हम इस बात पे तय करते हैं, तो क्या आप सहमति देते हैं इस चीज पे, तो ये नेगोशिएट करके एक उनमें बदलाव लाना। सबसे पहले आता है बिल रिपोर्ट, इसमें जो उनकी दिक्कतें हैं अगर वो शराब पी रहे हैं या मल्टीपल सब्सटेंस ले रहे हैं उसके बारे में सब्जेक्ट ये करना। तो पहले तो आप नॉर्मल जैसे बातचीत करते हैं उसमें बातचीत कीजिए, फिर वो अगर कोई अल्कोहल या ड्रग्स लेते हैं उसके बारे में पूछिए, अच्छे से पता कीजिए कितने सारे सब्सटेंस लेते हैं, कब लेते हैं, जैसे कि आप लोग हिस्ट्री में कर रहे हैं। उसके बाद उसके लाभ क्या है, नुकसान क्या होते हैं उसी सब्सटेंस के ये पे उनके ऊपर, ताकि आप जनरली ना दे उनके ऊपर, ताकि उनके साथ आपकी बातचीत करके एक रैपो या फिर एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप डेवलप हो। अब आते हैं प्रोज एंड कॉन्स, तो इसमें आप बता सकते हैं, आप बताइए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगता है, आप अगर शराब लेते हैं तो व्हाट आर द गुड थिंग्स, क्या अच्छी चीज है इसमें, और आप कुछ बताइए क्या अच्छी चीज नहीं है। तो जब आप वो बताएगा तो आपको पता चलेगा कि जो अच्छी चीज नहीं है वो ज्यादा बता रहे हैं, और अच्छी चीज क्या है वो कम हो जाता है। तो ये आपको उनको हेल्प करने में, आप उनको हेल्प कर सकते हैं कि देखिए आपने जो अच्छी चीज नहीं है वो बहुत सारी बताई, जिसे आपको दिक्कत आती है वो बहुत सारी बताई, और जो अच्छी चीज है वो बहुत कम बताई है। तो एट लास्ट जब आप उसको बताएंगे तो उनको एक बैलेंस फील होगा, उनको पता चलेगा कि हाँ मैंने खुद ही बहुत सारे चीज बताए हैं। आप फीडबैक प्रोवाइड कीजिए, पहले तो पेशेंट से परमिशन लीजिए कि क्या आप हमें परमिशन दे रहे हैं कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन दिया है वो हम आपको बताएं। तो फिर जो भी आपने उसको स्क्रीनिंग किया है या फिर कोई भी ब्लड टेस्ट हुआ या एक्सरे हुआ उसके बारे में उसके साथ डिस्कस कीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और आ सकते हैं इस तरह के पैटर्न ऑफ ड्रिंकिंग से या अनहेल्दी ड्रिंकिंग के, उसके बारे में आप उनको फीडबैक प्रोवाइड कीजिए। अब आता है बिल रेडीनेस टू चेंज, तो इधर हमको पता है क्या हम थोड़े देर के लिए बात कर सकते हैं अगर आप अपने आप में बदलाव लाते हैं। तो यहाँ पे एक स्केल होता है 0 से 10, जिसमें आपको उनसे पूछना होता है आप कितने रेडी हैं। तो अगर वो बोला 0 या 1 तो इससे पता चलता है कि वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है या बहुत ही कम रेडी है कोई भी सब्सटेंस छोड़ने के लिए, और अगर वो 10 बता रहा है मतलब कि वो बहुत ज्यादा रेडी है या कम्प्लीटली रेडी है वो सब्सटेंस को छोड़ने के लिए। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट कितना रेडी है आपसे बातचीत करने के लिए या वो सब्सटेंस को छोड़ने के लिए। तो जब आपको पता चलता है कि हाँ पेशेंट रेडी है, तो आपको उस समय क्या क्या पूछना है, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द बेस्ट रिजल्ट इफ यू डिड मेक दिस चेंज, आपको क्या लगता है अगर आप अपने में बदलाव लाते हैं तो फिर उससे क्या अच्छा हो सकता है, क्या सही हो सकता है आपके जिंदगी में, ये पूछिए। इफ यू वर कम्प्लीटली सक्सेसफुल, अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं चेंज लाने में, बदलाव लाने में, तो कैसे चीजें बदल जाएंगी, कैसे चीजें अच्छी हो जाएंगी, ये सब उनसे पूछिए। आप सोच लीजिए कि अगर आप सक्सीड हो गए कि आपने शराब एकदम छोड़ दिया, बहुत दिनों से आप शराब नहीं पी रहे, तो क्या सब अच्छी चीजें आपके साथ हो सकती है। तो ये सारी चीजें हमें उनसे पूछने हैं जब हमें पता चलता है कि पेशेंट रेडी है चेंज के लिए। फिर नेगोशिएट अ प्लान ऑफ चेंज, इससे क्या होता है पेशेंट से जब आप पता कर लिए तो पेशेंट का स्ट्रेंथ पता चलता है, पेशेंट कितना रेडी है वो पता चलता है, कितना पेशेंट फॉलो अप में आएगा इससे ये भी पता चलता है। अब अगर पेशेंट उधर बता रहा है कि हाँ मैं कल से आऊंगा आपसे बातचीत करने के लिए, तो ये पता चलता है कि पेशेंट कमिटमेंट प्रोवाइड कर रहा है।
ठीक है मैं जाऊंगा काउंसलिंग सेशन में, मैं आपसे मिलने के लिए सिर्फ 2 ही वीक आ सकता हूँ, मतलब पेशेंट रेडी हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, और मैंने दवाई लेना शुरू कर दिया है जिसे मेरे को फिर से ना पीना पड़े, मतलब पेशेंट थोड़ा थोड़ा होने से भी पेशेंट स्टेप ले रहा है। तो ये सारे चीज अगर पेशेंट बता रहा है मतलब कि आप आए हैं एक प्लान ऑफ चेंज पे कि हाँ हमें इसमें चेंज लाना है। जब कब ब्रीफ इंटरवेंशन एकदम भी सुइटेबल नहीं है, कब लगता है कि एकदम भी सही नहीं है, जब पेशेंट बहुत ज्यादा डिपेंडेंस में हो या उसको एसोसिएटेड बहुत सारे फिजिकल इश्यूज हो, साइकेट्रिक इश्यूज हो या सीवियर साइकोलॉजिकल इश्यूज हो, तब अगर पेशेंट समझने बुझने की शक्ति में नहीं है, उसका कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है या वो बहुत ज्यादा उतना समझदार नहीं है या उतना पढ़ाई लिखाई नहीं किया हुआ तब भी, और बहुत ही कम उसके सोशल सपोर्ट्स हैं, कोई है नहीं जो उसको सोशली सपोर्ट कर पाए, तब ब्रीफ इंटरवेंशन उतने सूटेबल्स नहीं होते हैं। ब्रीफ इंटरवेंशंस फॉर नॉन डिपेंडेंट यूजर्स, पीपल हु आर नॉट डिपेंडेंट टेंड टू बेस्ट, मतलब बेस्ट वो लोग ब्रीफ इंटरवेंशन में ये करते हैं जो लोग नॉन डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि उसमें जो हार्म होता है वो हम उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इजीली छोड़ सकते हैं। तो जो एट रिक्स होते हैं, जो रिक्स के कगार पे जाने पे होते हैं, या फिर जो हैजार्डस पैटर्न ऑफ यूज कर रहे हैं बट उतना सीवियर नहीं हुआ है या उतना नुकसान उनको नहीं पहुंचा है, उनके लिए ये बहुत सही है। फ्यू मिनट से घंटों तक हम ब्रीफ इंटरवेंशन दे सकते हैं, आइडियल होता है आपका प्राइमरी केयर सेटिंग से ही आप शुरू कर सकते हैं ब्रीफ इंटरवेंशंस देना, और इससे ये पता चला है कि 30-40% आपका अल्कोहल कंजम्पशन कम हो जाता है। अब कॉमन मिस्टेक्स हम क्या कर गलतियां क्या कर बैठते हैं, जब भी कोई पेशेंट आता है हम सोचने लग जाते हैं कि जल्दी जल्दी एक्शन लेना है, कुछ तो करना है इनके लिए, जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, तो इसमें हम ये देखना भूल जाते हैं कि पेशेंट रेडी भी है हमारे बात सुनने के लिए या पेशेंट रेडी भी है चेंज करने के लिए। तो तब अगर पेशेंट बोल भी देता है कि ठीक है ठीक है आप लिख दीजिए हमें कुछ करना नहीं है, तो ये सारे चीजें से हम गलती कर बैठते हैं और ये इफेक्टिव नहीं होता है। जब फार्माकोथेरेपी दवाई भी साथ में चलना है, साथ में ब्रीफ इंटरवेंशन भी चलना है, जैसे पहले ही बताया गया, जब हम फार्माकोथेरेपी को सपोर्ट में नहीं रखते हैं ट्रीटमेंट के या रिकवरी के, तब ये गलती कर बैठते हैं हम, क्योंकि दोनों ही साथ में चलाना है। फिर आते हैं पेशेंट को सही समय पे कब हमें प्रोग्राम के लिए रेफर करना है, जब पेशेंट चेंज के लिए रेडी हुआ है तब हमें उसको दूसरे ग्रुप में बुलाना कि आप उनसे बातचीत कीजिए या मटेरियल प्रोवाइड करना, ये आइडेंटिफाई करना राइट टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने उसको पहले ही दे दिया जब पेशेंट रेडी नहीं है तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। और जब पेशेंट बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट है, वो चेंज नहीं होना चाहता है, उसको पता है कि ऑलरेडी उनको बहुत सारे नुकसान पहुंच रहे हैं या पहुंचे हैं, फिर भी वो चेंज होना नहीं चाहता है या फिर नहीं आना चाहता है, और तब ब्रीफ इंटरवेंशन उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हमने मिसकंसेप्शंस जो भी है शराब पीने या कोई भी नशे की चीजें लेने पे, तो अगर हमने सही तरीके से उनको नॉलेज प्रोवाइड किया, उसके एसोसिएटेड रिस्क क्या, नुकसान क्या है इसके, इससे आपके फैमिली में नुकसान आ सकती है, आपके सोशल लाइफ में, आपके नौकरी में नुकसान आ सकती है, तो ये सब अगर ठीक किए तो ब्रीफ इंटरवेंशन इफेक्टिव हो जाता है। उनके पार्टिसिपेशन को एनकरेज कीजिए, पेशेंट को मोटिवेट कीजिए और उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए उनसे बातचीत कीजिए। हमेशा रश, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी में मत रहिए कि आपसे ये पता करना है या ये करना है, तो ये सारा समय लगता है, धीरे 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 ही हम इस पे पहुंच सकते हैं। उनके अंदर से जगाना कि हाँ इससे ये सारे नुकसान होते हैं, ताकि पेशेंट आपसे खुद बोले कि हाँ मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ, मुझे पता है ये खराब चीज है, तो उनको शराब पीने को कंट्रोल करना और जितने भी नुकसान है उसके नुकसान को मिनिमाइज करना, साथ में उनके पीने की लत को ठीक करना। तो ये मेनली आपका नॉन कन्फ्रंटेशनल, नॉन थ्रेटनिंग, ऐसा नहीं कि कल से ही आपको छोड़ना है, आज से ही आपको छोड़ना है या आप जो कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है, तो नॉन कन्फ्रंटेशनल, नॉन थ्रेटनिंग और बहुत ही सपोर्टिव एम्पैथेटिक मैनर में हमें उनको अप्रोच करना है और उनसे बातचीत करनी है। जितना बातचीत कीजिएगा, जितना उनको बुलाइएगा बार बार, तो देखेगा वो उनमें एक रेडीनेस है चेंज होने के लिए। तो इससे हम खत्म करते हैं ब्रीफ इंटरवेंशन वाला जो सेशन है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि कैसे हमें ब्रीफ इंटरवेंशन करने हैं और वो फ्रेम्स कितने
जरूरी है करने के लिए, जिसका एक एक जो मीनिंग है वो कितने जरूरी है और कैसे हमें एम्पैथेटिक और सपोर्टिव वे में उनसे बातचीत करनी है या हमें ब्रीफ इंटरवेंशन देने हैं।